मंत्री पद की शपथ रामदास जी आपने दोबारा ली है। मैं तो तीसरे बार मंत्री पद की शपथ ली है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को या रिप्रेजेंटेशन मिला है। जो हमारा दलित समाज है, अंबेडकर बाबा साहब को मानने वाला समाज है, इस समाज को बहुत बड़ा आनंद है कि भाई मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री हो रहे हैं और मुझे भी तीसरी बार शपथ लेने का मौका मिला है। जो खास अंदाज है आपका, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ कविता कहानी? अभी अंदाज तो क्या, मतलब जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने कई सालों से मतलब दे दिया था देश को धोखा, कांग्रेस पार्टी ने बहुत बार दे दिया था देश को धोखा, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने का मिल गया है मौका। तो इसी तरह मतलब नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं और राहुल गांधी जी के लिए पूरे दरवाजे बंद है प्रधानमंत्री के। अभी 20-25 साल 30 साल उनको रातें देखनी पड़ेगी। हमारी एनडीए बहुत स्ट्रांग है और 5 साल तक हमारी सरकार चलेगी और जो भी मतलब गरीब है, दलित है, आदिवासी है, महिला है, युवा है, किसान है, ऐसे सब लोगों के लिए माननीय मोदी सरकार काम करती रहेगी और देश का विकास ही हमारा एजेंडा है। सर, मोदी जी ने सभी जातियों को इसमें मौका दिया। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि सरकार नहीं चल पाएगी 5 साल। इंडिया गठबंधन बोल रहा है कि सरकार नहीं चलेगी, लेकिन हम भी बोलते हैं कि भाई इंडिया गठबंधन नहीं चलेगा। इंडिया गठबंधन के कई लोग हमारे साथ आएंगे, नीतीश कुमार भी उनके साथ, वो भी इधर आए हैं। कल ममता जी भी विचार कर सकती है कि हमारे पास आने का, और भी कई दल है कि ऐसे है कि वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर हमारे साथ जरूर आएगी। तो इसीलिए हमारा सरकार चलने वाला है। कांग्रेस पार्टी का लिए बोलते रहे, लेकिन सरकार 5 साल चलेगी और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और जो हमारे सभी दल है ये मोदी जी के साथ है। सर, मोदी जी ने अपने कैबिनेट में सभी कम्युनिटीज, चाहे वो SC ST हो, OBC हो, सब जातियों को मौका दिया, इस पर क्या कहेंगे? मौका दिया है मतलब अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। 140 करोड़ लोगों का उनका परिवार है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सभी धर्मों के लिए मोदी जी काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। और SC ST और OBC को अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है, माननीय मोदी जी ने दिया है, इसीलिए मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। ये थे रामदास अठावले। अपने चिर परिचित अंदाज में किस तरह से उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और साफ तौर पर यह भी कह दिया कि आने वाले वक्त में जो सरकार है ये 5 साल चलेगी। और सबसे खास बात है, उन्होंने ममता बनर्जी का नाम लेते हुए कहा कि ममता बनर्जी NDA में आ सकती हैं, ऐसा उनका साफ तौर पर कहना है। और ये भी दावा किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो NDA में आ सकते हैं। वहीं पर उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। शगुन के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।